नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर के वर्मा इलेक्ट्रिकल पर। तो दोस्तों, UBPCL की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, यानी और कंपनियों की भी तरह जैसे कि आपकी सेल, NTPC और भी इत्यादि कंपनी हैं बॉन्ड भराती हैं ज्वाइनिंग के समय, तो अब UBPCL में भी JEE TG2 और जो बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं उनमें भी अब आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, यानी ज्वाइनिंग से पहले आपको बॉन्ड भरना होगा और ये ज्वाइनिंग के समय आपको देना होता है। तो दोस्तों, ये ऑफिशियल न्यूज है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है इसी से संबंधित रहेगा, यानी जानेंगे कि किस किस को कितना बॉन्ड भरना पड़ेगा, जेई को कितना, TGT को कितना, AE को कितना और भी बहुत सारी वैकेंसी हैं उनके लिए कितना कितना बॉन्ड की सीमा रखी गई है। तो ज्वाइनिंग के समय जो देना होगा इस वीडियो में आज पूरा डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को प्लीज़ स्केप ना करें और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ UBPCL की तरफ से और उसमें क्या क्या परिवर्तन किया गया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, ये वो नोटिफिकेशन है, यानी दिनांक 16 सितंबर 2020 का ये नोटिफिकेशन है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम और कार्यालय ज्ञाप है। विषय है आपका उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा उसकी सहयोगी कंपनी वितरण कंपनियों के समस्त संवर्गों की सेवाओं में प्रथम सीधी भर्ती के पद पर नियुक्त होने वाले कार्मिकों की नियुक्ति के संबंधित निर्धारित सेवा शर्तों में बॉन्ड मनी सेवा अनुबंध पत्र निष्पादित किए जाने का अतिरिक्त प्राविधान सम्मिलित किए जाने के संबंध में। यानी दोस्तों, इसका विषय है तो ज्वाइनिंग के समय आपको एक बॉन्ड भरना पड़ेगा, उसकी निर्धारित सीमाएं हैं। तो चलिए फिर नीचे देख लेते हैं किस किस को कितना कितना बॉन्ड भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और स्केप ना करें। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, स्केप करके देखते हैं और बाद में फालतू की कमेंट करते रहते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड निर्देशक मंडल की दिनांक 14/8/2020 को संपन्न 159वीं बैठक में उपरोक्त विषय पर लिए गए निर्णय के अनुपालन में एतद निम्नवत आदेश निर्गत किए जाते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। यानी फर्स्ट नंबर, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा उसकी सहयोगी वितरण कंपनियों के समस्त सेवा संवर्गों को में सीधी भर्ती के माध्यम से प्रथम नियुक्ति के पद पर नियुक्त होने वाले कार्मिकों की अनुनियुक्ति हेतु निर्धारित सेवा शर्तों में बॉन्ड मनी जमा करने के रूप में सेवा अनुबंध पत्र यानी बॉन्ड पत्र निष्पादित किए जाने का अतिरिक्त प्राविधान सम्मिलित किया जाता है। दूसरा नंबर देखते हैं, यानी आपको बॉन्ड भरना होगा। उपरोक्त सेवा अनुबंध पत्र प्रारूप व एवं निर्देश संलग्न समस्त सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्त होने वाले कर्मिकों से उनकी प्रथम नियुक्ति के अवसर पर निम्नलिखित के रूप में निष्पादित किया जाएगा। यानी तीसरे नंबर पर देखते हैं, सेवा अनुबंध पत्र निष्पादित कराए जाने के संबंध में बॉन्ड मनी की निर्धारित निम्नांकित दरों के अनुसार निर्धारित की जाती है, यानी बॉन्ड की जो मनी है वो इसके अनुसार रहेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यानी जो 2600 ग्रेड पे, यानी TG2 को जो बॉन्ड भरना पड़ेगा वो आपका लगभग 75,000 रुपये इनको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। ग्रेड 2600 तक के जितने भी वैकेंसी हैं जिनका ग्रेड पे 2600 है उनके लिए बॉन्ड 75,000 रुपये प्लस GST बॉन्ड भरना पड़ेगा। और आगे देखते हैं, यानी जिनका 3000 ग्रेड पे है और लेवल 5 के अंतर्गत आते हैं उनको भी 75,000 बॉन्ड भरना पड़ेगा। और आगे देखते हैं तीसरे नंबर पर, जिनका 4200 ग्रेड पे है और मैट्रिक लेवल 6 के अंतर्गत आते हैं और उनको आपका 1,00,000 रुपये बॉन्ड भरना पड़ेगा। और आगे देखते हैं, यानी 4600 ग्रेड पे आपका JEE स्तर तक के आते हैं लेवल 7 के अंतर्गत, तो इनको आपका 1,50,000 रुपये बॉन्ड भरना पड़ेगा। और आगे देखते हैं, 4800 ग्रेड पे
लेवल 8 के अंतर्गत इनको भी 1.5 लाख बॉन्ड भरना पड़ेगा। और नंबर 6 की बात करें यानी 5400 ग्रेड पे आपके असिस्टेंट इंजीनियर यानी AE आते हैं और लेवल 10 के अंतर्गत इनको आपका 2 लाख रुपये बॉन्ड भरना पड़ेगा। और आगे देखते हैं 7वें नंबर पर यानी जिनका 8900 ग्रेड पे है लेवल 13 के अंतर्गत आते हैं तो लगभग इनको 3000 रुपये की राशि का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा ज्वाइनिंग से पहले। और आगे देख लेते हैं यानी सीधी भर्ती के प्रारंभिक पद पर चयन प्रांत संबंधित कार्मिक को 1 माह की अवधि का आधारभूत प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजनी नगर नखलऊ द्वारा किया जाएगा। यानी ज्वाइनिंग के बाद 1 माह की जो ट्रेनिंग होगी वो आपकी नखलऊ में होगी सरोजनी नगर में एवं तत्पश्चात 11 माह की अवधि तक संबंधित कार्मिकों को ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रशिक्षण पर माना जाएगा। यानी इसके बाद आपको 11 महीने की जो ट्रेनिंग होगी वो आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी यानी पूरी आपकी एक साल की ट्रेनिंग होगी। और आगे देख लेते हैं और भी कुछ नियम शर्तें हैं और उन्हें आगे देख लेते हैं। यानी इस प्रकार उपरोक्त ग्रेड वेतन के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्त कार्मिकों को विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजनी नगर नखलऊ द्वारा प्रदत्त 1 माह का आधारभूत प्रशिक्षण एवं 11 माह की ऑन जॉब ट्रेनिंग कुल अवधि 12 माह के अतिरिक्त अग्रेता 2 वर्ष की सेवा सहित अर्थात 3 वर्ष से पूर्व कॉरपोरेशन की सेवा छोड़ने की दशा में उन्हें उपरोक्त निष्पादित सेवा अनुबंध पत्र के अनुसार निर्धारित बॉन्ड मनी एवं GST लागू दर कॉरपोरेशन को जमा करनी होगी। यानी आपको आपकी 1 साल की जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा प्लस आपको 2 साल यानी 1 साल आपका वो और 2 साल इसके अतिरिक्त यानी 3 साल तक यदि आप छोड़ के जाते हैं तो आपको बॉन्ड भरना होगा जैसा कि ऊपर बताया गया है। और दोस्तों इसमें आगे भी कुछ शर्तें दी गई हैं यानी आपको बॉन्ड में छूट प्राप्त हो सकती है। इसमें कुछ कंडीशन दी गई हैं तो आपको बॉन्ड में नहीं भरना होगा यदि आप नंबर 1 भारत सरकार से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर चयन होने की दशा में यानी आप भारत सरकार की जो संघ लोक सेवा यानी UPSC के थ्रू आपका चयन हो जाता है तो आपको बॉन्ड नहीं भरना पड़ेगा। और नंबर 2 राज्य सरकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में फलस्वरूप किसी भी पद पर चयन होने की दशा में। तो दोस्तों ये 2 कंडीशन हैं यदि आप इन दोनों कंडीशनों को पूरा करते हैं तो आपको बॉन्ड नहीं भरना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं ज़्यादातर ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।